जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है ए गीतटि जे सुनिथिबो तांको मनरे आज पर्यंत भी से चेहरा ए गीतरे जे अभिनय करछन्ती तांकर छवि निश्चित भाबे तांको आखि आगरे नाची उठुथिबा आज सेही अभिनेत्री अछन्ती आम सहित से होछन्ती बॉलीवुड रा प्रतिष्ठित कलाकार श्रीमती वाइदा रहमान। मैम स्वागत है आपका ओडिशा लाइव में। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ओडिशा। पहली बार आप ओडिशा आ रही हैं? जी नहीं, इससे पहले बहुत साल पहले मैं आई थी, बहुत बहुत साल पहले। और मुझे याद है हम बीच पे गए थे और कोणार्क टेंपल देखा, तो टेंपल तो उस वक्त बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अभी कल मैं परसों गई थी देखने के लिए, बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है और उसमें चंद पैनल्स मिसिंग हैं, उसका कोई रिपेयर वर्क नहीं हो रहा। और मैं ढूंढ रही थी कहीं हेरिटेज कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत ऐसा टेम्पल सारे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं कई टेम्पल्स गई हूँ बट ऐसा रहा और इतना दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैम बहुत कम उम्र में आपने अपनी अदाकारी जो दर्शकों को दिखाना शुरू कर दिया था, मैम कैसा इंटरेस्ट आपका जो फिल्म में इंटरेस्ट आया वो कैसा, किस लिए आया और क्यों आया? किसी को भी कोई भी ड्रीम हो सकता है। मुझे डांस सीखने का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, तो उसी जरिए मैं फिल्मों में आ गई। मैम पहला CID फिल्म से आपके करियर की शुरुआत थी, कैसा था देवानंद जी जो इतने बड़े कलाकार थे उनके साथ पर्दे पे आना, वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैंने काम फिल्मों में पहली बार शुरू किया तेलुगु फिल्म में, तेलुगु तमिल, फिर उसी दूसरे ही साल मैं बॉम्बे चली गई थी। और मैं देवानंद की फ़ैन थी और मैं बहुत लकी थी कि बिना मांगे वो मेरे लीडिंग मैन बन गए थे, तो अच्छा लगा। मैम इतने साल बॉलीवुड में कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा, कोई शिकायत ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ आज भी हो रहा है, इसके बारे में मैं सिवाय ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करने के और कुछ नहीं कर सकती। मैम आपके टाइम पे जैसा फिल्म बन रहा था और आज जो फिल्म सब बन रहा है उसके बीच में क्या डिफरेंस आप देख रही हैं? पहले की मैं कहूँगी फिल्में अच्छी भी थी और गाने ज़्यादा अच्छे थे पुराने, मगर आजकल जो सब्जेक्ट्स जैसे चूज़ किए जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ख्याल से। फिर वैरायटी बहुत है और बायोपिक्स बनने लगी हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मैम एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए एक अवार्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या फिर उसकी अदाकारी? पहले आप से पहले अपने आप को तसल्ली होनी चाहिए कि हमने जो किया है सही किया है, अच्छा किया है। फिर जब अवार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों सारे की पसंद वो एक कॉन्सेंट्रेटेड इसमें डाल के अवार्ड दिया जाता है, जो लोगों ने पसंद किया इसलिए अवार्ड दिया जाता है। मैम आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या चीज़, अवार्ड या नहीं? लोगों का पसंद करना ज़्यादा बेहतर है बशर्ते कि एक अवार्ड मिल जाए। वो अवार्ड मिलना तो जाहिर है खुशी तो होती ही है। आज यहाँ पे आप एक लिटरेली फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कैसा इवेंट है और आपको लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये पहली बार नहीं है, मैं कई लिटर फेस्टिवल में गई हूँ, भूटान गई हूँ, जयपुर गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, और ये एक है। मगर यहाँ एक तरीका अलग था, इसका एक पर्पज़ एक कॉज है जिसके लिए गीता गोपाल कृष्ण कर रही हैं कैंसर, इसके लिए तो कॉज बहुत अच्छा है। मैम लास्ट जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके फैंस हैं, उनके लिए दो लाइन। मैं उन सब के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज तक मुझे इतनी इज्जत प्यार देते हैं। मैं क्या कहूँ, इसकी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, वेरी नाइस एंड वेरी काइंड, वेरी ब्यूटिफुल ऑफ यू पीपल, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो आपण मैंने देखुले आम सहित थिले बॉलीवुड रा प्रतिष्ठित अभिनेत्री वाइदा रहमान जी, आमको तांकर जीवन तांकर करियर एवं ओडिशा विषय रे अधिक किछि कहुथिले। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन प्रभास रंजन लेंका के सह मोनालिसा मिश्र, ओडिशा लाइव।